खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि, थोड़ा संभल के चलने की कोशिश कीजिएगा। इस दिन आपके कोई कार्य अटकाने का प्रयत्न करेंगे लोग, और उससे आपको एकदम न बौखलाना है न क्रोध में आना है, अन्यथा परेशानियां और बढ़ जाएंगी। वैसे कुल मिला के समय ठीक है, इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन अपना धन बहुत संभाल के रखिएगा। और उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपने मीठी रोटी पक्षियों को जरूर खिलानी है। वृषभ राशि, ये वक्त आपके लिए अच्छा है, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए जम के मेहनत करें, आगे बढ़ें, आपका जरूर कार्य बनेगा इस दिन। एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिएगा, अगर आप यात्रा में जा रहे हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, चावल का दान जरूर करना है। मिथुन राशि, धन संबंधी मामलों में यह दिन अच्छा है, अच्छे फल आपको मिलेंगे, इसलिए आप अपने रुके हुए कार्य पूर्ण करें, मेहनत से अपना काम करें। इस दिन प्रमोशन आदि की बात करने के लिए भी यह दिन अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। यदि आपको गले में सांस में कोई दिक्कत रहती है तो चिकित्सा सलाह अच्छे से पालन करें। और उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर करने के लिए, ओम नमः शिवाय का जप करें, मन को शांत करें, फिर काम पर जुटें। कर्क राशि, इस दिन आपका मूड अच्छा होगा, ऊर्जा अच्छी होगी, आप अच्छा सोच पाएंगे और आगे बढ़ने के अवसर भी आपके खुलेंगे, तो कुल मिला के ये समय अच्छा है। आप चिंता ना करें, आगे बढ़े, यद भी कुछ लोग रोड़े अटकाने का कार्य करेंगे, बाधाएं रहेंगी। एक छोटी सी सावधानी, अपनी चिंताओं के दिन चिंता ना कीजिएगा, अपने काम पर जुटे रहिएगा और उपाय कर लीजिएगा। और उपाय क्या है, ओम दम दुर्गाय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुट जाएं, तो वो जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आपके लिए समय थोड़ा सा कमजोर है, बहुत ध्यान से चलिएगा, रोग और शत्रु दोनों से बचने की कोशिश करें, अपयश हो सकता है, लेकिन एक सावधानी विशेष रूप से आपको रखनी होगी और वो ये कि कोई ऐसा कार्य ना करें, चाहे वो किसी की निंदा हो, चाहे वो कोई ईर्ष्यावश किया गया, बदले की भावना से किया गया कार्य हो, या किसी की झूठी गवाही आप दे दें, या किसी की गारंटी आप ले लें, ऐसा कोई कार्य इस दिन मत कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा, उपाय कर लीजिए। इस दिन आप चावल और चीनी का दान जरूर कर दीजिएगा और ओम रुद्राय नमः का जप करिएगा, फिर काम पर जुटिएगा। कन्या राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, रिश्तों से आपको मदद मिलेगी, निजी संबंध आपके बेहतर होंगे, मजबूत होंगे, दोपहर बाद का समय खासतौर से अच्छा है, प्रमोशन के लिए या आगे बढ़ने के लिए कोशिश करिए इस दिन। बस एक सावधानी रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप पके हुए भोजन का दान अवश्य कर दें। तुला राशि, भाग्य पक्ष सरक सरक के आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, इसीलिए आप मेहनत से अपने काम पर जुटे जरूर हैं। बस एक सावधानी अवश्य रखिएगा, इस दिन क्रोध से एकदम आपको बचना होगा, और साथ ही साथ जो किसी से कोई बात करें या वायदा करें, बहुत सोच समझ कर करें। घर में भाई बहनों का, जीवन साथी का, माता पिता का ख्याल आपको रखना होगा इस दिन। उपाय क्या करेंगे, ओम रुद्राय नमः का जप करें, थोड़ा ध्यान करें, काम पर जुट जाएं। वृश्चिक राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, यदि भी कुछ बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, आपके काम जो रुक रहे हैं वो बनेंगे, बढ़ेंगे, तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। एक छोटी सी सावधानी, मेहनत से जी मत चुराइएगा, धैर्य के साथ काम लगातार इस दिन करना होगा आपको, तब कहीं जाकर आपके काम बनेंगे, यश मिलेगा। उपाय क्या कर रहा है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, कुछ सब्जियों का दान जरूर कर दीजिएगा, कच्ची सब्जी का दान। धनुराशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो ये है, जिस चीज के बारे में आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए वो है धन। इस दिन अपना धन सोच समझ कर ही खर्च कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप पके हुए भोजन का दान जरूर करें और भोजन में बेसन अवश्य हो। मकर राशि, यह वक्त आपके लिए अच्छा है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, खूब काम बनेंगे आपके,
थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना होगा, लेकिन एक सावधानी चाहिए। जिन लोगों को सर या आंख की दिक्कत रहती है या गले की कोई प्रॉब्लम रहती है, वो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें और इन्फेक्शन से बचें। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः का जप करें और दूध या दूध से बनी हुई चीजों को बांटें। कुंभ राशि, प्रतिष्ठा के लिए यह दिन अच्छा है, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर बढ़ेगी। बाकी आगे बढ़िए, प्रमोशन की बात, आगे बढ़ने की बात इस दिन आप जरूर कीजिए, लेकिन एक सावधानी, इस दिन पैसा दिल खोल के खर्च नहीं करना है। इस दिन बहुत सोच समझ कर कहीं खर्च करना है, या कहीं आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एक छोटा सा उपाय जरूर कर रहे इस दिन, आप ओम नारायण नमो नमः का जप अवश्य कर रहे। मीन राशि, भाग्य पक्ष आपका रुक रुक के मदद करेगा, काम अटकेंगे जरूर, कंफ्यूजन भी इस दिन बहुत रहेगा, लेकिन फिर भी भाग्य पक्ष ठीक होने की वजह से काम बढ़ जाएगा आगे, चिंता ना करेगा। लेकिन एक सावधानी, आप यदि व्यापारिक दृष्टि से लोगों से संबंध जोड़ रहे हैं तो केयरफुली जोड़िएगा, गलत डिसीजन मत लीजिएगा, लालच या भावावेश में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। बाकी समय ठीक है, बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा इस दिन तो समय और भी अच्छा हो जाएगा। इस दिन सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में अवश्य बांधे और शिवजी को और अपने इष्ट को प्रणाम करके फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे।